गेम्स में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजी में आपका एक होगा कोऑपरेटिव गेम, कोऑपरेटिव गेम, ठीक है, और नॉन कोऑपरेटिव गेम, ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव गेम। अब यहाँ पर क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे, उसके बाद अपने पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस क्या है। ये क्वेश्चन के अंतर्गत नहीं आएगा, वो बाद में आपको पता चल जाएगा। देखो कोऑपरेटिव गेम यहाँ स्ट्रैटेजिक है, यहाँ पर कोऑपरेशन मिलता है, प्लेयर के बीच में कोऑपरेशन मिलता है, और यहाँ पर नॉन कोऑपरेटिव गेम है, यहाँ पर देयर इज ए नो कोऑपरेशन। और जहाँ कोऑपरेशन नहीं होता है तो यहीं पर दो तरह फिर फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है इसी को, गेम्स ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, गेम्स ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और दूसरा जो काइंड्स है इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड से ही समझोगे, और यहां पर होगा गेम्स ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो हमारा क्वेश्चन में अब समझ में आ गया कि कहां से पूछ रहा है, तो ये क्लासिफिकेशन है। अब यहां पर सारा हम गेम का बता देंगे, आपका इस असाइनमेंट में बस ये नॉन कॉम्पिटिटिव गेम का ही क्लासिफाइड, लेकिन आप यहां से समझो कॉपरेटिव गेम का मतलब क्या होता है। यहाँ प्लेयर के बीच में कॉपरेशन देखा जाता है। बोलिए इकोनॉमिक्स में क्या गेम है भाई, ये झूठ बूट के पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, इकोनॉमिक्स में क्या गेम होता है, तो होता है गेम इकोनॉमिक्स में भी ओलिगोपॉली, जिसमें एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें इंटायर मार्केट पर फ्यू जो सेलर होता है वो कैप्चर करता है, ठीक है। तो कैसे, इसमें हम एक उदाहरण दे के देखते हैं कि ओपेक, ओपेक इसको कहते हैं ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो गल्फ कंट्री है वो सारा वर्ल्ड को सप्लाई करता है क्रूसेड ऑयल, यानी पेट्रोलियम बनता है कच्चा तेल, तो वो क्या करता है, ठीक है, वो ईरान है, इराक के सारा देश है, वो लोग सब मिल के, ठीक है, कार्टेल बनाता है, कार्टेल मतलब ग्रुप बनाता है, उसी का नाम दिया गया है ओपेक, ठीक है। और यहां पर कॉपरेशन है कि ईरान को इतना करना है, इराक को इतना करना है, कॉपरेशन दिखता है, इसी को कॉपरेटिव गेम कहते हैं। सब करता है कि भैया ऐसे नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इतना दाम रखना है, तो सब एग्री है कि कोई कम दाम में बेच के अपना सप्लाई पूरा नहीं हो, ज्वाइंट यहां पर प्रोडक्शन होता है, इस तरह है। अब है कोको कोला और पेप्सी, दोनों मिल जाएगा, भैया आपको इतना आपको मार्केट में देना है, मान लो डिमांड 100 सीसी का डिमांड है पूरे वर्ल्ड में, सपोज करो, तो बोल देगा भैया 50 आप बनाओ 50 हम बनाओ, ताकि दोनों मार्केट में जिंदा रहे। तो यहाँ कॉपरेशन है, कार्टेल बना लिया, ग्रुप बना लिया गया यहाँ पर। या आप इंडिया के रिस्पेक्ट में भी देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बहुत सारा प्रोडक्ट, बहुत मैन्युफैक्चरर है, तो बोलेगा भैया अकेले अकेले बेचेंगे तो हम लोग को प्राइस नहीं मिलेगा, एक मार्केटिंग बैनर के अंतर्गत आ जाते हैं, प्रोडक्शन सब कर रहा है, यहाँ मोनोपोली टाइप का है, तो उसके अंतर्गत मैं ग्रुप बना लेता है कि ग्रुप मिल के सब चार्ज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर और अगर सिंपल भाषा में, अगर साधारण भाषा में चले जाओ, तो कोई भी दिल्ली हो या किसी भी शहर हो, छोटा से लेके बड़ा शहर के जितना रेस्टोरेंट होता है, उन लोग का यूनियन होता है कि आप इस खाना का इतना ही दाम रखोगे, क्वालिटी तुम दो तुम्हारी मर्जी, लेकिन यहाँ एक कड़ी का, फिश करी का, चिकन बटर मसाला का अगर 140 रुपया प्राइस है तो सब चार्ज करेगा इक्वल, कोई कम करेगा तो यही कार्टेल है, यूनियन बना लेता है, यहाँ कॉपरेशन देख रहा है सब गेम में कितना पैसा लेना है, सैलून वाला कोई भी दुकानदार कम पैसा में अगर बेचना शुरू कर देगा किसी अपना ज्यादा प्रोडक्ट को, तो क्या होगा, अदर दुकानदार वहां आके यूनियन में उसको वायलेट किया रूल, जिसके कारण दंडित किया जाएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव गेम समझ में आ गया। अब नॉन कोऑपरेटिव गेम आता है, ठीक है, जिसमें प्लेयर के बीच में देयर इज ए नो कोऑपरेशन, यहां कोऑपरेट नहीं करेगा, और जब कोऑपरेट नहीं होगा तो दो तरह का सिचुएशन आता है जो क्वेश्चन में कह रहा है, गेम्स ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन और गेम्स ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो मैं आता हूं गेम्स ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन में, ठीक है, तो गेम्स ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अंडर द नॉन कॉपरेटिव गेम, इसमें नॉन कॉपरेटिव गेम में एक सिचुएशन है गेम्स ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिसमें हम लोगों को वी हैव ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेयर, टाइप्स ऑफ प्लेयर,
देयर स्ट्रैटेजी, देयर यूटिलिटी, ठीक है, ठीक है, ये सब का हमको एक्सेट्रा क्या करेगा, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या उसकी यूटिलिटी है, सारा प्लेयर जो पार्टिसिपेट कर रहा है गेम में सबको एक दूसरे के बारे में जानता है, टाइप्स ऑफ प्लेयर है, कितना प्लेयर इन्वॉल्व है, कौन सा स्ट्रैटेजी प्लेयर अपना सकता है, क्या यूटिलिटी है, कितना पे ऑफ है, सारा चीज अगर दीज इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल टू ईच प्लेयर दैट पार्टिसिपेट इन अ गेम इज कॉल्ड गेम ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इसमें गेम में क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है। और इसी का अपोजिट केस अगर देखो कि एक ऐसा गेम अंडर द नॉन कोऑपरेटिव गेम जिसमें प्लेयर का वी हैव ए नो नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज अबाउट द प्लेयर, टाइप्स ऑफ प्लेयर, हाउ मेनी प्लेयर आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस गेम, देयर यूटिलिटी, देयर स्ट्रैटेजी, देयर पे ऑफ एक्सेट्रा, दीज इंफॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल टू इच प्लेयर डैट पार्टिसिपेट इन दिस गेम, इट इज द कॉल्ड द गेम्स ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। यहां पर गेम में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है क्योंकि एक दूसरे के बारे में आप नहीं जानते हैं कुछ। यहां यह होता है जरूर कि सम प्लेयर के पास प्राइवेटली इंफॉर्मेशन होता है और उसी के आधार पर प्रेडिक्शन करता है कि अदर प्लेयर ऐसा बिहेव करे, वो गलत भी हो सकता है। अब सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्शन, ऑक्शन तो ऑक्शन का मतलब क्या होता है, नीलामी, नीलामी। अब ये नीलामी क्या होता है भैया, आए हम सब किसी चीज का नीलामी करने के लिए, मान के चलो कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंट का कोई वस्तु है, मान लो ये महात्मा गांधी इस पेन से लिखते थे, अब इसका नीलामी होने आया, कोई बोलेगा 1 करोड़, कोई बोलेगा 2 करोड़, लेकिन सब नया नया लोग होते हैं, वी डोंट नो इच अदर यूटिलिटी, हम अपना यूटिलिटी, इच प्लेयर नो हिज ऑन यूटिलिटी, अपना यूटिलिटी को जान सकता, बट दे डोंट नो द यूटिलिटी ऑफ द अदर पर्सन। तो यहां पर नॉन कोऑपरेटिव गेम में कौन सा गेम हो जाएगा, गेम्स ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अगला के बारे में हमको जानकारी नहीं है, ऑक्शन नीलामी होता है। तो ये पहला पार्ट्स हो गया।